मेरा प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा दरवाजा खोलिए प्लीज, मेरा प्लीज दरवाजा खोलिए। और कितनी बार मेरी बेटी के साथ धक्का करोगे तुम? हाँ, अरे कितनी बार झूठी माफिया मांगोगे तुम उससे? अच्छी तरह से जानते हो ना तुम मेरा का हाल क्या है, वाकिफ हो ना उसकी हालत से, जानते हो ना कि वो दिल की मरीज है, फिर भी तुम उसका दिल तोड़ने से बाज नहीं आते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और जनाब कैसे हैं? अरे वाह, अरे राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बैठिए आप। या अल्लाह, हुमैरा के अब्बू को तो काजी साहब से बात करके कागजात बदलवाने का वक्त ही नहीं मिला। इसका मतलब है कि काजी साहब के हाथ में जो कागजात हैं वो निकाह नामा है। कमबख्त सोया अगर इस घर में टिक गई तो खुदा जाने क्या हो जाएगा। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा, ये दस्तखत नहीं होने चाहिए। काजी साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। रुको आयान। जानते हो काजी साहब के सामने तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है? निकाह नामे पर दस्तखत करने के लिए। क्या निकाह नामे पे? हाँ, और अगर तुमने और उस लड़की जोया ने दस्तखत कर दिए तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा। इस बात का मतलब समझते हो ना आयान? पर ये सब क्यों? क्योंकि आयान में तुम निकाह पढ़वा कर आ चुके हो और निकाह कोई मजाक नहीं होता, समझे? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, तुम भी खुश नहीं रहोगे। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम चाहो तो अभी भी चीजें संभल सकती हैं। कैसे? तुम दस्तखत करने से मना कर सकते हो। और कह दो ना सबसे कि तुम निकाह करोगे तो सिर्फ हुमैरा से। हुमैरा को चुन लो आयान। अगर तुम्हें बाहर दुनिया वालों के सामने जाने में शर्मिंदगी हो रही है तो तुम्हारा ये फैसला मैं उन्हें सुना देती हूं, पर तुम जाओ। हुमैरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। निकट छोड़ो, छोड़ो। नहीं,
भाईजान मुझे छोड़ दीजिए भाईजान। क्या कर रही हो, क्यों क्यों कर रही हो तुम ये? मेरी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाईजान, सबको बहुत जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही भाईजान, मुझे मर जाना। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, निखत ऐसा कुछ नहीं है, निखत भाईजान अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, अपने आदमी को खबर करके आती हूँ, मेरी वजह से सबको जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, मुझे मर जाना। नहीं 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 निखत, तुम क्यों कर रही हो ये सब? प्लीज यहां से चलिए, इन लोगों की तसल्ली हो गई है, मान गए ये लोग, प्लीज चलिए। नहीं मिस रुकी, थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। पाजी ने फिर से अपनी कलाई काटने की कोशिश की, अब चलने चलिए। राशिद निखत बेकाबू हो गई, उसने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या? अरे राशिद साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अब निकाह मुकम्मल करने की आखिरी सीढ़ी। दूल्हा दुल्हन के निकाहनामे पर दस्तखत, निकाहनामा मेरे पास मौजूद है। आप लोग दूल्हा दुल्हन को बुलाए ताकि वो इस पे दस्तखत कर सके और निकाह मुकम्मल हो सके। मैं ये सब और नहीं कर पाऊंगी। आपने सुना काजी साहब ने क्या कहा? वो चाहते हैं मैं निकाह नामा पे साइन कर दूं। कैसे कर दूं मिस्टर खान? आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको हर चीज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मुझे मुझे खुद से इतना दूर मत कीजिए कि मैं वापस ना आ पाऊं। प्लीज मिस्टर खान, प्लीज। इतनी बढ़ जाएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। सर की तो चलिए यहां से, प्लीज मिस्टर खान, सब कुछ छोड़ के अपने घर चलते हैं। अगर हम यहां से चले गए तो निकट का क्या होगा? उसने फिर से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। क्या? सर की जो हो रहा है उसे हमें बर्दाश्त करना होगा। जो हो रहा है मिस्टर खान, आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम यहाँ से चले गए तो निकल मर जाएगी फारूकी। छोड़िए मिस्टर खान, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा है मिस फारूकी। मैं नहीं जानता मुकद्दर हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और मुझे भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको मेरी। और अब भी आपके बिना एक पल काटना मेरे लिए हजार मौतें मरने के बराबर। लेकिन इस वक्त सवाल हमारा नहीं की जिंदगी का, निखत की जिंदगी का। मर जाएगी, मैंने निखत की जान बचानी होगी। आपको मुझ पर यकीन है? ये दूल्हा दुल्हन आखिर कहां चले गए?
अगर आपको निकाहनामे पर दस्तखत नहीं करवानी है तो बता दीजिए, इस तरह से हमारी बेइज्जती तो ना कीजिए। निकट प्लीज तुम अपने आप को संभालो मेरे खातिर। निकट नहीं, ऐसे नहीं करते। बेटा चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। निकट बेटा सब ठीक होगा, फिक्र मत करो, सब निकट। क्या कर लिया आपने बेटा, क्या कर लिया? आपको अपने अम्मी अबू पे भरोसा नहीं है? खून बह गया इस तरह। हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? इतने लोग हैं बाहर, ऐसी हालत में से लेके जाते हैं तो हमारी बच्ची का तमाशा बन जाएगा राशिद। और वो लोग तो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक निकाह हमें पे आया ना हो जाए, दस्तखत ना हो जाए। अब सारे लोगों के सामने से निकट को वहां से उनके सामने से हॉस्पिटल कैसे लेके जाए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पता है क्या करना है। माशाल्लाह, अब कोई बात नहीं है बल्कि सब ठीक हो गया भाई। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई। निकट और फरहान के निकाह में अब निकट की भाभी भी होगी। हाँ देखिए साहब जी, अब हम लोगों को भी इजाजत दीजिए। आदा, चलिए तशरीफ ले चलते। तुम्हें अकेले क्यों बैठी हो? बेटा तुमने कुछ खाया? सिया तुम जाके कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए शीरीन नुसरत से कहती हूँ इन्हें अंदर लेके जाएगी। नुसरत रुको, मैं ले जाऊंगी इसे। इस बहू का आज पहला दिन है, तुम इस तरह का सलूक नहीं कर सकते इसके साथ। आ जाके आराम करो। जोया तुम्हारा कमरा है,
आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए, आपका कमरा नहीं है। Oh, really? मतलब अभी हुआ नहीं है, प्लीज उतरिए नीचे। देखिए मिस्टर खान, ये मेरा होने वाला कमरा है और ज़ोया फारूकी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उनका होने वाला कमरा इतना बोरिंग हो। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने इस रूम को रीडेकोरेट करने वाली। रीडेकोरेट मतलब आप इसको भी अपने कमरे की तरह लाल पीला नीला करने वाली। एक्सक्यूज मी, इसे लाल पीला नीला कहना नहीं कहते। देखिए कितना बोरिंग है, सिर्फ ब्लैक है या व्हाइट है। मैं इसे कलरफुल बनाने वाली हूँ, इतना कलरफुल बनाने वाली हूँ, इतना कलरफुल बनाने वाली हूँ। मतलब ये रूम कम और सफिशिएंट ज्यादा लगे, है ना? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आने के बाद ये कमरा इतना खूबसूरत हो गया, किसी और किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी और की जिंदगी का फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है? तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी है, कुर्बानी ज़ोया ने दी है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उस पर, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी हुई नहीं थी, होने वाली थी। खुद की जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, मैं ऐसा करना ही पड़ा। एक जिंदगी बचाने के लिए दूसरी जिंदगी बर्बाद कर देना, क्या ये समझदारी है असद? निखत के लिए तो बहुत सारे लोग थे, उसके अम्मी अब्बू भाई बहन सब, लेकिन ज़ोया के पास कौन था? सिर्फ तुम ना। उसके लिए इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उसे पूछ तो लिया होता कि वो चाहती क्या है। मैं चाहता तो मैं भी नहीं था, उस वक्त जिंदगी बचाने को कोई रास्ता नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अभी जाओ और ज़ोया को वापस लेकर आओ, अभी। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं वहां जाऊंगी, मैं भी देखती हूं कौन रोकता है एक मां को अपनी बेटी को वापस लाने से। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आयन की बीवी भी, आयन की बीवी भी। क्या सोच रहे हैं आप? आयन, जब मैं ज़ोया को तुम्हारे घर लेकर आया था तो मुझे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि निकाह नामे पर दस्तखत किए, मुझे मालूम नहीं था कि कागज के टुकड़े पर लिखी इबारत उन्हें मुझसे इतना दूर ले जाएगा। ये दूरी बस पल भर की है भाईजान, कुछ ही दिनों की बात है। ज़ोया और आप आज भी एक हैं, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं। ज़ोया हमेशा से आप ही की थी भाईजान और आप ही की रहेगी।
ये निकाह, ये दस्तखत, ये सारी चीजें बेईमानी है भाईजान। वो निकाह एक गलती थी, इट वॉज एन एक्सीडेंट, वो पता नहीं कैसे हो गया। उस निकाहनामे पे दस्तखत करना मेरी मजबूरी थी भाईजान। लेकिन भाईजान हमने जो कुछ भी किया है ये निकाह के लिए किया है। अगर वहां मैं उस वक्त दस्तखत नहीं करता निकाहनामे पे, तो अल्लाह जानता है कि निकाह को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता। फिर जिस तरह से अपना हाथ काट के रखा था उसने, we had to take her to the hospital immediately भाईजान, लेकिन हम नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि बाहर कमेटी वाले थे, हसीना भी थी, चांद भी थी, और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब आऊंगा वहां पे दस्तखत करने। आज हम दोनों का निकाह साथ होने वाला था और ये सब भाईजान, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि सोया यहाँ नहीं है भाईजान। वापिस आ जाएगी टमाटर, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, सिर्फ कुछ वक्त की बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने से दूर रहने दूंगा? पर भाईजान, आज आपका निकाह था। अगर आज मेरा भी निकाह हो जाए तो फिर तुम्हारे दूल्हे को कौन देखता? मैंने सोचा कि अपना निकाह कभी और कर लूंगा। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इंशाल्लाह तुम उस घर में इस घर से ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और हमारी फिक्र मत करना, कुछ वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान, आपको हमारे घर की रोशनी दे रहे हैं, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। जी भाईजान। जाओ नजमा, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। या मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, लेकिन ट्रस्ट में मेरा यकीन मानो, भाईजान और मैं मिलकर ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर दोगे तुम दोनों? कैसे? कुछ नहीं कर सकते तुम दोनों, ना ही तुम और ना ही तुम्हारे भाईजान, क्योंकि तुम दोनों जो कुछ कर सकते थे तुम कर चुके हो। इससे ज्यादा और क्या करोगे? हाँ, क्या कहा था तुमने मुझे जोया, ये सब गलती है, इट्स एन एक्सीडेंट, मैं जल्दी से रफा दफा कर दूंगा। और अब क्या कर रहे हो तुम? जानते हो तुम, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज तीन जिंदगियां इस कदर उलझ गई हैं कि वो कैसे सुलझेंगी कोई नहीं जानता। मैं सुलझाऊंगा जोया, मैं कैसे सुलझाओगे तुम, कैसे सुलझाओगे? यार तुम्हारे लिए निकाह एक मजाक होगा, लेकिन नहीं है। मेरे लिए ये पूरी जिंदगी का एक वादा है, एक खोखली रस्म नहीं है, वो रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है। और मेरे दिल पे सिर्फ एक नाम लिखा है, असद अहमद खान। असद अहमद खान, असद अहमद खान, असद अहमद खान। और जिस निकाह नामे में मैंने साइन किया है उस पे तुम्हारा नाम लिखा था।
निकाह नामे की स्याही के नीचे दब के रह गई है सिर्फ तुम दोनों भाइयों की वजह से, और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक कर दोगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों। आज तुम दोनों भाइयों की वजह से मैं निकाह के नाम पे एक झूठ जी रही हूं। तुमने और तुम्हारे भाई जान ने एक बार भी मुझसे पूछा कि जोया तुम क्या चाहती हो? नहीं पूछा ना। अपने भाईचारे के हिसाब में मुझे मोरा बना के रख दिया। अब क्या ठीक करोगे तुम? एक ने कुर्बानी मांगी, दूसरे ने दे दी। मुझसे पूछा कि जोया तुम्हारी मंजूरी है, तुम राजी हो या नहीं? तुम दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दिया है यार। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो जोया, ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है, और ये चीज मैं भी जानता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। मैं जानता हूं इस सब में बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं, मेरा भी टूटा है। मैंने भी किसी को वादा किया था और मैं वो पूरा नहीं कर पाया है सोया, और उस चीज के लिए मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम प्लीज भाईजान को जिम्मेदार मत ठहराओ। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया, निखत की जिंदगी के लिए किया। मेरी गलती है, तुम्हें और भाईजान को मैंने अलग किया है। मैं वादा करता हूं तुमसे सोया, एक दिन तुम दोनों को एक मैं ही करूंगा। बेटा ये तो इमरान ने जिद की, इसलिए मैंने कमरा सजवा दिया। अरे मेरे लिए ना ये सब फिजूल का खर्च है। हाँ, अब फूल असली हो या नकली क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ना असली फूल तो दो दिन में मुरझा जाएंगे, ये तो ताउम्र रहेंगे, है ना? और अपने फरहान के निकाह में भी काम आ जाएंगे। बोलो, है ना फायदे की बात? इसमें क्या है बेटा? इसमें गहने हैं। गहने का डब्बा? हाय, तुम गहने लेकर इधर उधर घूम रही हो? अरे बेटा कहीं रख कर भूल गई तो? आजकल के नौकरों का दीनी मन तो तुम जानती हो ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? मुझे दे दो बेटा, तुम्हारे ही गहने हैं, जब जी चाहे मुझसे ले लेना। मैं ना इन्हें हिफाजत से रखती हूँ, रख के आती हूँ बेटा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने ये कर दिया। वक्त रहते आपने कितना अच्छा काम कर दिया। अब कम से कम उस बला से तो छुटकारा। अल्लाह, ये क्या करवा दिया आपने? अब क्या हो गया जी? आपने तलाक नामे पर 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने की तारीख डाल दी है। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ उन्हें। हमने तो काजी साहब से कहा था कि वो... जल्दबाजी में हमने गलत तारीख डाल दी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।